हेलो डियर डेवलपर्स, स्वागत है आप सभी का MRY में। आज हम फॉर्म्स इन HTMLs पढ़ेंगे। तो बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं? HTML में जो फॉर्म्स होते हैं वो डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो टैग है एक फॉर्म करके, ये यूज़र से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एक सिंपल डेफिनेशन में हम इसको बोल सकते हैं, HTML फॉर्म्स यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र्स। इट अलाउज टू स्पेसिफाई वेरियस टाइप ऑफ यूज़र इनपुट फील्ड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक्चुअली फॉर्म्स में भी कई तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स को हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में भी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के डाटा को हम फॉर्म्स में डिटेल्ड यूज़र से ले सकते हैं। तो अगर हम फॉर्म्स का सिंटैक्स देखें तो फॉर्म का सिंटैक्स आपको नीचे देखने को मिल सकता है। फॉर्म में हम एक एक्शन एट्रीब्यूट और एक मेथड एट्रीब्यूट को भी यूज़ करते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट का जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे कि अगर किसी फॉर्म को हम बनाते हैं और उस डाटा को हम जब सबमिट करते हैं तो वो सबमिट होगा डाटा किस जगह पर खुले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो क्या एक्शन लेगा। तो एक्शन का फंक्शन ये होता है, और मेथड का मतलब होता है कि कोई डाटा को अगर हमें अपलोड कराना है या फिर किसी डाटा को हमें लेना है किसी जगह से, उस जगह पे स्टोर्ड कराना है, उसको दिखाने के लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स हमारा यही है, फॉर्म और उसके अंदर एक्शन और मेथड। नीचे हमारा फॉर्म एलिमेंट्स आएंगे, फॉर्म एलिमेंट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, नीचे हम डिस्कस करेंगे, और नीचे हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक आप कह सकते हैं फॉर्म्स के लिए जो एक बेसिक सिंटैक्स बनाया गया है। नीचे हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट्स आर। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट्स जो यूज़ होते हैं वो हमारे यही होते हैं, मैंने अभी हाल ही डिस्कस किया था आपके साथ, एक्शन एट्रीब्यूट और इसमें हमारा मेथड एट्रीब्यूट और टारगेट एट्रीब्यूट। तो एक्शन एट्रीब्यूट का मैंने आपको मतलब बता दिया कि ये इसका बेसिक सा काम क्या होता है, किसी भी फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो वो किस जगह पर जाकर खुलेगा, या फिर क्या एक्शन होगा उस फॉर्म का, वो एक्शन एट्रीब्यूट का वर्क होता है। मेथड एट्रीब्यूट का वर्क क्या होता है? मेथड एट्रीब्यूट का वर्क होता है किसी भी डाटा को जब हम अपलोड कराते हैं या स्टोर कराते हैं किसी जगह पर, तो उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए, या फिर उसको स्टोर करने के लिए हम मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट भी हमारे पास, टारगेट एट्रीब्यूट जिसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो विंडो को एक स्पेसिफिक जगह पर खोलता है, उस स्पेसिफिक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट में। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी भी डाटा को सिर्फ उसके मतलब एक पहले से वो प्री डिफाइंड एक फील्ड है, उस जगह पर हमें डाटा को शो करना है, तो वो फॉर्म क्या करेगा? वो उस डाटा पर ही उस जगह को शो करेगा टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से। तो उसको दिखाने के लिए हम उसके कुछ वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट्स, ये वैल्यूज़ हैं जो यूज़ होती हैं जब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इनपुट टैग्स। तो इनपुट टैग का मतलब क्या होता है? अब इनपुट का मतलब तो आप बेसिक लैंग्वेज में अगर देखें तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इनपुट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेना, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट का मतलब होता है किसी भी डाटा को लेना, वो किससे लिया जा रहा है? वो यूज़र से लिया जा रहा है। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? उसको प्रोसेस करके उसको देना, ठीक है, यूज़र को देना। तो अभी हम HTML में सिर्फ इनपुट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इट इज़ यू ऑल्सो नो दैट इट इज़ फ्रंट एंड लैंग्वेज। सो हम क्या कर रहे हैं? यूज़र से डाटा ले रहे हैं, और इस केस में हम क्या करेंगे? उससे इनपुट लेंगे। तो बेसिकली फॉर्म्स में हम जो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं उसमें ये एक बेसिक एलिमेंट है, इनपुट टैग। द टैग इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन द पर्टिकुलर फॉर्म। तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में यूज़र से डाटा लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। और ये एक तरीके का आप कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट में एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मोड है जिसकी मदद से हम फॉर्म को डेवलप करते हैं।
अब इसमें कुछ मेन टाइप्स हैं। सो अगर हम पहली टाइप के बारे में डिस्कस करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब एक टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट में हम ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिस टाइप यूज टू डिफाइन टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज़र, ये एक तरीके का टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करता है फॉर्म में, जिससे हम यूज़र से इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में उससे क्या लिख सकें, इनपुट ले सकें। कॉमन एट्रीब्यूट यूज़ क्या होते हैं, उसमें मैक्स लेंथ होती है और मिन लेंथ होती है। मैक्स लेंथ का वर्क क्या होता है, एक मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन करना, और मिन लेंथ का मतलब क्या होता है, मिन लेंथ का मतलब होता है एक मिनिमम लेंथ डिफाइन करना, कि कितने मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए उस टेक्स्ट की और मैक्सिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए। ये दो एट्रीब्यूट इसमें वर्क करते हैं। अगला आता है इनपुट टाइप पासवर्ड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पासवर्ड है तो ये हिडन होगा, लेकिन ये शो करेगा कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया गया है। तो ये एक तरीके से टेक्स्ट फील्ड की तरीके जैसा ही होता है, टेक्स्ट टाइप जैसा ही होता है, लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि ये हिडन होता है। मैं आपको एग्जांपल जब मैं आपको इसका दिखाऊंगा तब आपको इसको शो करके दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करता है। अगला है हमारा इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो का मतलब क्या है, ये एक तरीके का मल्टीपल चॉइस है कि हमें यूज़र से डाटा इनपुट लेना है, लेकिन अब हमने उसके सामने चॉइस रख दी कि आप इन चॉइस में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको शो करने के लिए या उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम रेडियो टाइप का यूज़ करते हैं। अगली टाइप है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मतलब हमें यूज़र से डाटा लेना है और उस डाटा में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्या हो रहा था रेडियो टाइप में, क्या हो रहा था, हम किसी एक ऑप्शन को ही उसको सिलेक्ट करने दे रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है चेकबॉक्स करके, जिसमें यूज़र मल्टीपल ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो जैसे कि मेरे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, तो चेक रेडियो टाइप में क्या हो रहा था, रेडियो टाइप में हमारे पास ये हो रहा था कि हम किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब जब हमारे पास चेकबॉक्स करके जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम चारों तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ए को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा तब आपको इसको शो करूंगा। अगला है हमारा टाइप फाइल। अब इसमें क्या हो रहा है, फाइल के मदद से हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से फाइल को अपलोड करा रहे हैं, वो फाइल किसी भी तरीके की हो सकती है। इसमें हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट का मतलब है उस एट्रीब्यूट का नेम है एक्सेप्ट। उस एक्सेप्ट में मतलब किस तरीके की फ़ाइल अपलोड कर रहा है, वो इमेज फाइल है, पीडीएफ फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, या एक्सेल फाइल है, किस तरीके की फ़ाइल वो सपोर्ट करता है, जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, किस तरीके की फ़ाइल वो सपोर्ट करता है उसको शो कर रहा है। अगला टाइप है हमारा हिडन। हिडन मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है, टाइप है टेक्स्ट इनपुट का, ये इसमें हम किसी भी चीज़ को इनपुट तो करा रहे हैं लेकिन वो यूज़र को डिस्प्ले नहीं हो रही है, वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन सर्वर में जाके सबमिट हो गई है। अगला है हमारा इमेज। इमेज का बेसिक सा मीनिंग ये है कि हम एक तरीके का सबमिट बटन है, ये क्या है, एक तरीके का सबमिट बटन है। तो इमेज टाइप जो है वो एक तरीके का सबमिट बटन है, हम किसी इमेज को शो कर सकते हैं और उस पर क्या है, यूज़र जब डाटा पूरा उसने भर दिया या फिर डाटा उसने पूरा दे दिया, इनपुट कर लिया, अब लास्ट में जब वो सबमिट करना चाह रहा है तो हम एक तरीके से इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं कि अब एक इमेज का एक सबमिट बटन बना दिया हमने, उस पर वो क्लिक करेगा तो डाटा हमारा सबमिट हो जाएगा। इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, एक SRC और एक Alt। SRC का वर्क होता है पर्टिकुलर इमेज का URL को शो करना, और Alt का जो
फर्क होता है वो इमेज का नेम को शो करना। अगर इमेज वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है पर्टिकुलर ब्राउज़र में, तो उस जगह पर इमेज को शो करना। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट का मेन वर्क आपको पता ही होगा अगर आप इस मतलब मैंने इमेज में आपको बताया, उसी तरीके से सबमिट का वर्क होता है। बस इसमें जो मेन बटन जो होता है जहाँ पर हम सबमिट करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म को, उसमें मेन वर्क उसको सबमिट का ही होता है और कोई दूसरा वर्क उसमें नहीं हो सकता। दूसरा है रीसेट। रीसेट का मतलब है कि हमने जो फॉर्म में जो डेटा भरा वो वापस से ही वैसा हो जाए। रीसेट का मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर आ जाए। जैसे कोई खाली फॉर्म हमें वेब ब्राउज़र पे या फिर वेब पेज पर दिखता है, तो हम क्या करते हैं उसमें जो भी डाटा हम फिल करते हैं, उसके बाद हमें ये मतलब हम ये चाहते हैं कि हम डाटा फिर से दोबारा उसमें स्टोर करें, तो हम एक रीसेट बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगला टाइप है हमारा बटन टाइप। बटन टाइप का वर्क क्या होता है? बटन टाइप का वर्क होता है कि हम कोई सा भी बटन लगा सकते हैं। हमें सबमिट और रीसेट बटन को नहीं लगाना, हमें वहाँ पर एक इमेज को अपलोड कराना है। उस इमेज को अपलोड कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपलोड बटन भी लगा सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर किसी चीज़ को सबमिट करा रहे हैं उसको सबमिट भी करा सकते हैं, या फिर एक तरीके से हमें किसी मैसेज को दिखाना है वहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मदद से, आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो हम उसको भी एक बटन के मेथड से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अदर कंपोनेंट्स हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स हैं फॉर्म्स के जो फॉर्म्स में यूज़ करे जाते हैं। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक ऑप्शनल है, मतलब हम इनपुट टैग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट टैग से बाहर कोई चीज़ को दिखा रहे हैं। वो फॉर्म्स में अलग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक ऐसा हम ये कह सकते हैं कंपोनेंट है जिसमें हम क्या करते हैं फॉर्म्स में जितने भी टेक्स्ट हमारे पास हैं, वो पहले क्या हो रहा था, हम टेक्स्ट बॉक्स की मदद से जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ लगा रहे थे। लेकिन अब हमें यूज़र से हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ वर्ड की कोई लिमिट नहीं रखनी है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ उससे लेनी है यूज़र से, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन लेनी है, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक स्टोरी फॉर्म में लेनी है, या फिर एक आर्टिकल फॉर्म में हमें उससे लेना है, तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? टेक्स्ट एरिया रोज़ 5, कॉलम्स 50, नेम डिस्क्रिप्शन। अब रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास मतलब रोज़ में रोज़ या कॉलम्स तो उसमें शो नहीं होंगे, लेकिन वो कितने रोज़ मतलब कितने लाइंस ऊपर रोज़ में लिख सकता है और कॉलम्स में कितने तब टाइप कर सकता है, उस चीज़ को हम इससे डिफाइन करते हैं। और बीच में हम उस चीज़ को लिखते हैं कि वो वहाँ पर पहले से मतलब शो करे, प्रोटोटाइप हो वहाँ पर। इसका एग्ज़ाम्पल में भी आपको समझाऊंगा, जब मैं सारे एग्ज़ाम्पल इनपुट के बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि टेक्स्ट एरिया का एग्ज़ाम्पल किस तरीके से होता है। अगला है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आपने देखा होगा, कुछ फॉर्म्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म्स हो गए, या फिर हम किसी पर्टिकुलर जॉब फॉर्म भी भरते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहता हूँ, लेकिन उस कंट्री पर्टिकुलर कंट्री में रहता हूँ और उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें से मुझे एक को ही सिलेक्ट करना है, तो वो मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की वजह से दिखा सकता हूँ। अब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें दो पर्टिकुलर टैग पाए जाते हैं, पहला सिलेक्ट टैग और दूसरा ऑप्शन टैग। सिलेक्ट टैग का मेन वर्क क्या होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो करना, और ऑप्शन का यूज़ होता है ऑप्शंस को क्रिएट करना, जो उसमें मेन्यूज़ होंगे उनको क्रिएट करना, वो किसका काम होता है? ऑप्शन का काम होता है। अगला है हमारे पास डेट बॉक्स। डेट बॉक्स का वर्क क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर इनपुट टाइप ही है, इस तरीके से कह सकते हैं हम। जैसे बहुत सारे फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम IRCTC की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर डेट ऑफ जर्नी हमें फ़िल करने के लिए बोला जाए, तो डेट ऑफ जर्नी के लिए जब हम डेट फिल करते हैं वो इसी की मदद से करते हैं। तो ये वेब पेज में हमारे पास डेट को शो करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगला फॉर्म है हमारे अगला जो कंपोनेंट है वो है लेबल टैग।
लेबल टैग का वर्क क्या होता है? लेबल टैग का बेसिक सा वर्क ये होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट एरिया या फिर इनपुट टैग को लेबल करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेट वहाँ पर हमें एंटर करवानी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या फिल होगा, तो उस चीज़ को हेडलाइन बनाने के लिए या सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो लेबल टैग हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स और टैग्स हमने समझ लिए, अब हम इन सबको एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे HTML एग्जांपल में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू HTML फाइल बना लेता हूँ। HTML फाइल बनाने के लिए मैं उसको पहले उसमें नेम ऐड कर देता हूँ, मैं फॉर्म्स इन HTML की मदद से .html एक्सटेंशन लगा के और अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर प्रीडिफाइंड मेरे लिए बन के आया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर चेंज कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा फॉर्म्स इन HTML। यहाँ पर मैंने एक टाइटल दे दिया यहाँ पर, अगर मैं चाहूँ तो टाइटल नहीं भी दे सकता हूँ, आप टाइटल ना भी दें तो चलेगा इसमें। ठीक है, हमें मेन फॉर्म्स के बारे में ही इसमें समझना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ, फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी, ये एक हेडिंग हो गई। सो बेसिकली ये जो फॉर्म्स हमारा जो टैग आता है वो इसी के अंदर आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक हेडिंग दे दी थी, अब हम यहाँ पर फॉर्म टैग बनाएंगे। फॉर्म टैग बनाने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ हमें प्रिंट करानी है या फिर क्या चीज़ हमें शो करनी है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट टाइप्स शो कराएंगे, या फिर हाँ इनपुट टाइप्स ही शो करा लेते हैं। तो सबसे पहला इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, टेक्स्ट इनपुट। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, ये इनपुट टाइप हो गया हमारा। इसको अगर हमें नेम देना है तो नेम भी दे सकते हैं, वो एक ऑप्शनल है, हम उसको नहीं जाएंगे वहाँ तक। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर अगर हमें एक लेबल लगाना है तो लेबल भी लगा सकते हैं हम, लेबल। लेबल लगा सकते हैं, लेबल में हम लिख सकते हैं यहाँ पर योर नेम, योर नेम, यहाँ पे कुल लगा दिया। अब इसको थोड़ा रन करा के देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने योर नेम करके फॉर्म्स इन HTML जो मैंने हेडिंग लिखी थी, और योर नेम करके यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया मैंने बना दिया। अब जैसे मुझे इस टेक्स्ट एरिया की मैक्सिमम मिनिमम लेंथ चाहिए, मिनिमम मिनी लेंथ मुझे चाहिए, तो वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। मिनी लेंथ मुझे क्या चाहिए, 20 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर मैं ए अगर टाइप कराता हूँ तो ए से यहाँ पर अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो प्लीज़ लेंथ इन दिस टेक्स्ट टू 20 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। तो मिनी लेंथ की मदद से मैंने ये इसमें क्या शो कर दिया कि मिनिमम मुझे 20 कैरेक्टर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अगला मैक्स लेंथ भी देख लेते हैं। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मैंने 20 कर दी। अब यहाँ पर मैं जब इसमें अपना नाम लिखूँगा तो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा मैं नहीं लिख सकूँगा। देखिए तो यहाँ पर मेरे 20 कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, मैक्स लेंथ की मदद से मैंने ये भी शो कर दिया आपको। अगला है हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड में हम यहाँ पर यूज़र से क्या इनपुट कराएंगे, इधर पे हम लेबल बना देते हैं, उसमें हम नेम लिख देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर होगा, तो जो भी चीज़ हम एंटर करेंगे तो वो हमारी हाइड होती जाएगी। यहाँ पर मैं जो भी पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। अगला जो है उसको हम देखते हैं क्या है। अगला इनपुट टाइप है हमारा
फाइल। इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। इसमें हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्ट इमेज या जेपीजी कर देते हैं हम इसको, इमेज कर देते हैं, तो वो सारी इमेजेस में जितनी भी आएंगी वो सारी यहाँ पर एक्सेप्ट कराएगा। यहाँ पर मैं एक लेबल लगा देता हूँ, और उस लेबल में क्या चीज़ प्रिंट कराऊँगा, अपलोड फाइल हेयर। अब इसमें देखते हैं हम इनपुट टाइप फाइल की मदद से यहाँ पर क्या हम चूज़ फाइल का, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से हम ऑप्शन से यहाँ पर फाइल को चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे इमेज फॉर्म में करा था, तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्टोरेज में जाऊँगा तो कोई सी भी इमेज मेरे पास होगी तो वो उस चीज़ को, उस इमेज को मैं अपलोड करा सकूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपलोड इमेज और एक्सेप्ट इमेजेस की मदद से हमने यहाँ पर एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके दिखा दिया। अगला इनपुट टाइप है हिडन, हिडन डाटा के नाम से हम इसको सेव करा देते हैं। यहाँ पे जो भी डाटा हम इनपुट कराएंगे वो क्या होगा, वो हिडन हो जाएगा, ठीक है, वो शो नहीं होगा वेब सर्वर पे, लेकिन वेब सर्वर उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका मेन पर्पस क्या होता है। अब नेक्स्ट इनपुट टाइप आ जाता है हमारा नेक्स्ट इनपुट टाइप फाइल्स हो गया, पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट इनपुट टाइप हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें हम नेक्स्ट डेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम तो नहीं देंगे, यहाँ पर मैं लेबल लगा देता हूँ डेट ऑफ जर्नी, कुछ भी लिख सकते हो आप, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। तो यहाँ पर अब मुझे क्या है, कैलेंडर शो होने लगेगा जिसमें मैं डेट ऑफ बर्थ डाल सकूँगा। यहाँ पर जाऊँगे आप, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कैलेंडर शो करता है, तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैं उसको फिल कर सकता हूँ कुछ भी, 5 अप्रैल 2000 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इसको फिल कर सकता हूँ, यहाँ पर नेम फिल कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड फिल कर सकता हूँ कुछ भी, यहाँ पर फाइल चूज़ करके मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको मेन टाइप्स बता दिए, अब कुछ अदर टाइप्स हैं उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये तो हो गया हमारे पास। अब जो मल्टी चॉइस जो टाइप्स हैं इनपुट लेने की, उनको भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप चूज़ करी, इनपुट टाइप रेडियो, इसको इक्वल्स में इन्वर्टेड कॉमास रेडियो, ठीक है, तो नेम देख लेते हैं वैल्यू। जब हमें मल्टीपल वैल्यूज में से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कराना होता है तो हम नेम टैग का यूज, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और उस नेम एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक नेम दे देंगे। जैसे कैटेगरी मैंने नेम दे दिया, अब इस कैटेगरी में मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू शो करानी है, वैल्यू शो कर दूँगा। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जैसे मेरे को कैटेगरी पहली रखनी है जनरल, मैं जनरल कैटेगरी कर दूँगा। यहाँ पर जो ऑप्शन देना है उसमें एक ऑप्शन दे दूँगा जनरल का, जनरल का ऑप्शन दे दिया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर फिर मैंने बी आर टैग लगा दिया,
जिससे कि वो क्या हो, वो ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन है वो नीचे आए, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं रेडियो का ऑप्शन, रेडियो का चूज़ करूँगा। नेम, नेम मेरा सेम ही रहेगा, कैटेगरी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वैल्यू मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर ओबीसी कर दूँगा, ओबीसी वैल्यू कर दी। फिर यहाँ पर ऑप्शन में भी ओबीसी कर दूँगा और यहाँ पर मैं एक बीआर टैग लगा दूँगा जिससे कि जो मेरा थर्ड ऑप्शन है वो नीचे आ जाए, नीचे आ जाते हैं। एक और बना लेते हैं ऑप्शन अपना इनपुट टैग की मदद से, इनपुट टाइप यहाँ पर कौन सा आएगा, रेडियो के रेडियो आ जाएगा। और नेम में हम कैटेगरी रखेंगे सेम, इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले लेते हैं, कैटेगरी वैल्यू। अब वैल्यू मुझे चेंज करनी है, एससी कर दी मैंने, यहाँ पर मैं एससी ले लूँगा। एससी ले ली मैंने यहाँ पर, यहाँ पर बीआर टैग लगा दूँगा फिर से। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पर रन करा के देखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी ऑप्शन एक ऑप्शन पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले से ही इसमें जनरल पे ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही जनरल पे पहले से ही सिलेक्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जनरल का, वहाँ पर वैल्यू के बाद जनरल जहाँ लिखा है वहाँ पर चेकड कर, चेकड एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, चेक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। चेकड जब मैं करूँगा, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो जनरल पहले से ही चेकड होगा। तो इस, तो देखा आपने कैसे मैंने रेडियो की मदद से इसमें यूज़ करा है। अब अगला जो मेन्यू का जो ऑप्शन होता है उसका हम देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ प्रिंट करा देता हूँ चेक बॉक्स करके, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स के ऑप्शन से हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स के ऑप्शन की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के ऑप्शंस बना सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन वैल्यूज़ की चेक ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया हमारे पास। नेम हम इसमें कुछ भी डाल देंगे, जैसे कि मुझे क्या सिलेक्ट कराना है, क्लासेस नहीं, इसमें क्वालिफ़िकेशन हम यूज़ कर लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन हमने चूज़ कर ली। अब यहाँ पर मैं पहली वैल्यू रख देता हूँ क्वालिफ़िकेशन में हाई स्कूल मैंने पहली वैल्यू यहाँ पर कर ली, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख लेता हूँ। हाई स्कूल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अब इस टैग को बंद कर दूंगा और फिर यहाँ पर हाई स्कूल लिख दूंगा, हाई स्कूल यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ जिससे कि ये लाइन को ब्रेक कर दे, सॉरी दो बी आर टैग आ गए। नीचे फिर से एक इनपुट मेथड का यूज़ करेंगे हम, टाइप यूज़ करेंगे, टाइप में चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स। नेम में हम सेम ही रखेंगे इसको, हम क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन वैल्यू रखेंगे, वैल्यू में हम इस बार इसको कर देंगे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कर दिया हमने इसको, और फिर इसमें ग्रेजुएशन रखते हैं। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हम बी आर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है,
br टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे इसमें वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं चेकबॉक्स हमारे पास है। अब अगर मैंने हाई स्कूल करी है तो मैं हाई स्कूल पे टिक कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन पे भी टिक कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई एक करी है तो एक पर ही टिक कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से हम मल्टीपल ऑप्शंस देके मल्टीपल ऑप्शंस को भी टिक करा सकते हैं। अब जो हमारा जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि हमने फॉर्म बना लिया, डाटा स्टोर करा लिया, अब हमें डाटा सबमिट कराना है। तो डाटा सबमिट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबमिट बटन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट मेथड अपना चेंज कर देंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट। इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबमिट करने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, इसमें हम बी आर टैग लगा देते हैं। थोड़ा बगल में आ गया तो थोड़ा ऑड लग रहा है देखने में। ठीक है, बी आर टैग लगा दिया तो ये हमारा नीचे आता है। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद हम सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है रीसेट का, इनपुट टाइप रीसेट, इसको भी एक बार हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो इनपुट टाइप रीसेट की मदद से हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा फॉर्म पहले से खाली है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना नाम डाल दूँगा, मोहम्मद रिजवान डाल दिया मैंने नाम, पासवर्ड डाल दिया मैंने कुछ भी एक्स वाई जेड करके, यहाँ पर फाइल चूज़ करके मैंने डाल दी यहाँ पर। ठीक है, अभी नहीं है मेरे पास कोई फाइल तो मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कुछ भी आप रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने OBC सिलेक्ट कर लिया, हाई स्कूल ग्रेजुएशन सब सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कुछ चीज़ इसमें गलत भर दी तो मैं क्या करूँगा, मैं रीसेट बटन की मदद से उसको रीसेट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने रीसेट बटन पर क्लिक किया वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो गई। ठीक है, तो रीसेट बटन की मदद से हमने ये करा। अब जैसे मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, जो यूज़र है उससे एक टेक्स्ट लिखवाना है या फिर कुछ आर्टिकल लिखवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस आर्टिकल को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे करा सकता हूँ वो देखते हैं, टेक्स्ट एरिया की मदद से। टेक्स्ट एरिया में हमें हमारे पास रोज़ होंगी, रोज़ कितनी होनी चाहिए, 5 रोज़ होंगी। कॉलम्स रख देते हैं, कॉल्स 50 कॉल्स। इसमें एक नेम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन करके दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन करके हमने यहाँ पर एक नेम दे दिया। इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर हमें एक प्रीवी पहले से एक लाइन दिखानी है कि यूज़र समझ जाए कि यहाँ पर हमें क्या एंटर करना है। तो एंटर डिस्क्रिप्शन हियर। ठीक है, ये एक लाइन पहले से शो करनी है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो जैसे हम रन कराया तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ लिखेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं होगी, उसको हम कितना भी लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया की मदद से हम ये देखते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया हम यहाँ पर शो कराते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया शो कराते हैं। अब इसमें जो रोज़ और कॉलम्स जो एट्रीब्यूट है वो कैसे वर्क करते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जो रोज़ होती हैं वो हमारी वर्टिकल फॉर्म में होती हैं और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। तो जो इतने लंबे आपको दिख रहे हैं, जो हमने 50 कॉलम्स यूज़ करे थे, यहाँ पर 5 रोज़ यूज़ करी थी, वो इसी तरीके से यूज़ करी थी कि ये हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो ऐसे बन जाए। इसको हम डिटेल में आगे वीडियोस में समझेंगे जब हम लेंथ और विड्थ और हाइट जब CSS पढ़ेंगे उसमें हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये थे हमारे आज के ट्यूटोरियल HTML में फॉर्म्स को लेकर कि किस तरीके से हम फॉर्म्स डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से हम फॉर्म्स बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर आप ए लेवल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में ए लेवल से जुड़ी हुई सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MRY Study। थैंक यू।